वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मेरे किचन में बारी है जी चिकन कढ़ाई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाए इसकी इजी सी रेसिपी, ताकि आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो कि हमें चाहिए होंगे। चिकन लिया है मैंने 1/2 kg, सूखा धनिया, गर्म मसाला ये भी हम ले लिए हैं, उसके बाद सुरख मिर्च है, हल्दी है और सॉल्ट है, इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट है, कुछ साबुत मसाले हैं, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, एक टमाटर बड़े साइज़ का, 4 हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने काट लिया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जी हमें चाहिए होंगे और ये सारे मैंने रेडी करके रख लिए हैं, आप लोग देख लीजिए और इन्हीं से हम मज़ेदार सी कढ़ाई बनाएंगे। एक कढ़ाई लिए मैंने, इसमें डाला है ऑयल, आप घी भी ऐड कर सकते हैं एज़ योर चॉइस। इसमें हम ऐड कर देंगे अनियन, और अनियन को आपने जो है वो सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इनका कलर नहीं करना, और जो फ्लेम है वो मीडियम रखी हुई है मैंने, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी ताकि जो है वो अनियन जल ना जाए। यहाँ पे हमारे अनियन हो गए हैं सॉफ्ट, इनमें हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को आपने जो है वो तब तक जो है वो पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो रेड से वाइट में चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए जी, चिकन का कलर हमारा अच्छे से हो गया है चेंज, इसका कच्चापन हो गया है दूर। और अब जो है हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक और लहसुन रखा था ना कूट के वो जी। तो अदरक और लहसुन को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए और ये अच्छे से जो है वो इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो साबुत मसाले लिए थे वो हमने ऐड किए हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक स्किप कर दीजिए, लेकिन इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है तो ऐड करने से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में सब दिखाई थी, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक यहाँ पर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा क्वान्टिटी आप कर सकते हैं। जब भी आप कोई स्पाइसेस ऐड करें तो उसको 2 से 3 मिनट्स के लिए जो है वो अच्छे से घी में फ्राई होने दें ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्पाइसेस जो अच्छे से फ्राई हो गए थे, अब मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला और खुश्क धनिया, उनको 2 मिनट्स जो है फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा सालन जो है वो नीचे ना लग जाए। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसको कवर कर दिया है। कवर आपने 5 से 10 मिनट के लिए करना है और मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो मैंने उसको कवर किया हुआ है, तो वो चिकन हमारा गल रहा है और टमाटर अभी रह गए हैं, ये मैं इसके बाद ऐड करूँगी जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका पानी जो है वो कितनी हद तक खुश्क हो गया। चिकन का अपना पानी भी होता है तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना होता। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, जो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के रखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर कवर करूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हम टमाटर का छिलका आसानी से उतार लें। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया, अब आप किसी भी फोक की हेल्प से या स्पून से जो है वो इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलका वगैरह उतार दिया था और उसको दोबारा कवर किया था, तो ये देखिए टमाटर बीच में जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और छिलका ना हो तो फिर ये नज़र भी नहीं आएंगे, अच्छे से मिक्स होंगे, छिलका जो है वो सही तरह से मिक्स नहीं होता और वो फिर आपको जो है वो बाद में आपके मुंह में जब आता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इस तरह से टमाटर बहुत ही अच्छे से जो है वो चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं और नज़र भी बिल्कुल नहीं आएंगे, और देखिए कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है। इसके साथ मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, यहाँ पर अदरक को बारीक काट लिया है, हरी मिर्च है और धनिया, और थोड़ा सा मैंने पुदीने के जो पत्ते हैं वो भी लिए हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पानी ऐड किया था और इसको कवर करके रखा है 10 मिनट के लिए ताकि जो है वो चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, सख्त ना रहे, इसकी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए चिकन, टेस्ट तभी आता है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह पानी सारा खुश्क हो गया है और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। तो मैंने जो गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, एकदम बट कढ़ाई वाली लुक आ रही है, बल्कि उससे भी मज़े की, घर के खानों की तो और ही बात होती है। तो यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्च
और पुदीना और धनिया जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। और अब आप चेक कीजिएगा इसकी फाइनल लुक जो कि मैंने जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। और ये देखिए जी, हमारी चिकन कढ़ाई हो गई है रेडी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।